स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला हमीरपुर ने स्वाइन फ्लू को लेकर जिला में अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के चलते नागरिक अस्पताल सुजानपुर में लोगों को स्वाइन फ्लू से बचने के लिए सावधानी बरतने को कहा गया। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से फैलता है। H1N1 वायरस हवा द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। स्वाइन फ्लू के लक्षणों की जानकारी देते हुए डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि इसमें बुखार, खांसी, दस्त, उल्टियां तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। बुजुर्गों, सुगर व दमे के रोगियों में यदि ये लक्षण हो तो खांसते अथवा छींकते समय भी अपने मुंह एवं नाक को रुमाल से ढकें तथा अपनी नाक, आंखों, कान अथवा मुंह को छूने से पहले या बाद में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। अत्यधिक भीड़ वाले स्थानों पर न जाएं। उन्होंने बताया कि संक्रमित व संदिग्ध व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए और न ही गले लगें तथा अन्य संपर्क बनाने वाले कार्य न करें। चिकित्सक की सलाह के बिना कोई दवाई न लें और खुले में न थूकें तथा कोई भी लक्षण होने पर अपने नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। आजकल जैसे कि आप समाचार के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है, तो उसमें भी आ रहा है कि हिमाचल में स्वाइन फ्लू के काफी मामले दिखने में आ रहे हैं और इसका लक्षण जो है इसमें बुखार, गले में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, जोड़ों में दर्द, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। और अगर इस तरह के लक्षण किसी मरीज में लगते हैं या किसी आदमी को इस तरह के लक्षण घर में या पड़ोस में किसी को ऐसी जानकारी में आते हैं तो शीघ्र अपने सरकारी नज़दीक का जो भी सरकारी हॉस्पिटल हो उसमें आकर अपना उपचार कराएं, उसमें डॉक्टर की सलाह लें। और इसमें किसी भी तरह का कोई झाड़ फूक या इसका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। उसमें सरकारी, हर सरकारी हॉस्पिटल में इसकी दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं और भारी मात्रा में, ठीक है। और जागरूकता के लिए हर स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी कार्यकर्ता हमारे इस टाइम जो कार्यरत हैं, वो हेल्थ वर्कर उनको पूरी तरह से मीटिंग में एक तरह से प्रचार के लिए उनको बताया गया है ताकि अपने अपने क्षेत्र में जाके जितने भी लोग हैं उनको ये करें, जागरूक करें कि किसी भी इस तरह का कोई लक्षण वाला आदमी मिलता है जिसको सर्दी, जुकाम, नजरा ऐसा लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो आदमी अपने आप को थोड़ा सा दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचाए और अपने आप को जब बाहर निकले तो मास्क के चेहरे पे जो है कुछ ढक ले ताकि वो एक दूसरे को डायरेक्ट एक दूसरे से बात करते टाइम थोड़ा सा अपने फेस को ढक ले। इस तरह से प्रचार करने उसके लिए बचाया गया है कि ताकि कम से कम लोगों में इसके लक्षण कम से कम जा पाए।